आज तो भाई चाहे तुम में से कोई भी बॉल करा लेना, चाहे मलिंगा को ले आना, आज चौकों में नहीं छक्कों में डील होगी। अबे यार ये हर रोज ऐसे ही बोलता है और जीरो पे आउट हो जाता है। अबे चुप, अरे तुम ज्यादा कैसे रहा है, बॉल उठा के लाता रही चुपचाप, ठीक है, वरना ड्यू नहीं पिलाऊंगा। अबे छोड़ो मेरे को चॉकलेट खानी है। हम भी तो खाएंगे। नहीं चॉकलेट तो सिर्फ मैं ही खाऊंगा। अच्छा ठीक है, चुप। अच्छा ठीक है, सब खा लेना, मैं जाके लेके आता हूँ और फिर सब में बांट लेंगे, ठीक है? हाँ ये ठीक है, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं चॉकलेट लेके आता हूँ। अबे लाना बांट हिस्सा। अबे रो क्यों रहा है? अबे भाई ये तो खाली है। अबे यार। अबे साले इतनी धूप में इतना दौड़ाया हमें, तेरे को तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं 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 नहीं। वाह भाई आ गया तू। हाँ भाई आ गया, पर तू इतना तैयार क्यों हो रहा है? रहना तो तुझे घर पे ही है। अरे भाई देख, घर पे रहना हो या बाहर जाना हो, एकदम टिप टॉप बन के रहना चाहिए। हाँ भाई तेरे बाल देख कितने अच्छे हैं, और मेरे बालों में तो डैंड्रफ हो रखा है जिसकी वजह से मेरे बाल टूट रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कुछ सालों में मैं टकला हो जाऊंगा। हाँ भाई अगर डैंड्रफ हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो इसका करता क्यों नहीं, करना कुछ। भाई बनिए की दुकान से लेकर हर शैम्पू ट्राई कर चुका हूँ, पर कोई असर ही नहीं हो रहा यार। अबे भाई वो बनिए की दुकान छोड़ और यूज कर मुस्टैक का हेयर ग्रोथ कॉम्बो। हेयर ग्रोथ क्या? भाई देख ये मुस्टैक का बालों को बढ़ाने वाला कॉम्बो है, जो कि तेरे डेंड्रफ को भी रोकेगा और तेरे बालों को भी बढ़ाएगा। और इसमें आता है मुस्टैक का हर्बल शैम्पू, और ये कोई नॉर्मल शैम्पू नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल शैम्पू है, जो कि तेरी डेंड्रफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और तेरे हेयर फॉल को भी बंद करेगा। और नहाने के बाद यूज करियो मुस्टैक की कोको एलो हेयर ग्रोथ क्रीम, इससे तेरे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी और सेट और स्टाइलिश भी रहेंगे बिल्कुल मेरी तरह। भाई तेरे तो क्या बाल है यार, मुझे दे दे ये दोनों प्रोडक्ट। अरे भाई अगर तुझे प्रोडक्ट चाहिए तो ऑनलाइन ऑर्डर करना, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं घर बैठे बैठे। ऑनलाइन मंगवाऊं? पर कैसे? भाई देख मैं तेरे को ऑनलाइन ऑर्डर करके दिखाता हूँ, और वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां से तू ऑर्डर भी कर सकता है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर भी है। भाई देख बाय नाउ पे क्लिक कर, अपना एड्रेस डाल, 2 दिन में प्रोडक्ट तेरे घर पे डिलीवर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोडक्ट मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ, मुझे अपने बालों में फर्क दिखाई दिया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, तो आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करना, आपको भी अपने बालों में शानदार फर्क दिखाई देगा। अरे भाई वो सब तो ठीक है, पर इतनी चॉकलेट इनका क्या कर रहा है तू? अबे भाई तेरे को तो पता है ना मेरे को चॉकलेट पसंद है, आजकल मैं यही खा रहा हूँ, तो बाल सेट कर रहा था और साथ साथ में खा रहा था। अच्छा ठीक है फिर चल बाहर बैठते हैं। हाँ हाँ भाई आ रहा हूँ चल। और सुना भाई? बढ़िया भाई सुमित एकदम। भाई बहुत जोर की भूख लगी है यार, कुछ खाना ही खिला दे। अबे भूख लगी है तो एक काम कर, साइड में जो तकिया रखा है ना, तकिया खाऊं क्या? अबे तकिए को थोड़ी खाना है, उसके नीचे खाना रखा है, तो तकिए को उठा और खाना खा। अबे यार तकिए के नीचे कौन खाना रखता है? भाई ये तो चॉकलेट है। तो हाँ मैं तो चॉकलेट ही खाता हूँ ना। भाई तू भी चॉकलेट खा, तेरा पेट भी भर जाएगा और एक नंबर मजा आएगा तेरे को। और हाँ अगर उनमें पेट ना भरे ना, तो एक चॉकलेट मेरे वाली में से भी दे दूंगा तेरे को। भाई रहने दे, नहीं खानी तेरी चॉकलेट, खाना तो खिलाया नहीं जाता, कम से कम पानी पिला दे। हाँ तो पानी मैं क्या पिलाऊंगा, वो रखा किचन में जाके पी ले। अबे भाई
पानी की जगह चॉकलेट कौन रखता है? हाँ तो भाई मैं पानी कहाँ पीता हूँ, मैं तो चॉकलेट ही खाता हूँ। और भाई तू भी पानी मत पिया कर, तू ये चॉकलेट खा, तेरी प्यास अपने आप बुझ जाएगी। नहीं मुझे नहीं खानी तेरी चॉकलेट। अबे भाई एक बार खा तो सही। अबे नहीं खानी ना। अरे खाता। कौन सा बकरा कैसे कटेगा, कब होगा शामिल वो सूत्रों की डाइट। मिट गई ना प्यास? हाँ भाई प्यास तो बुझ गई, पर यार सुसु आ गया, मैं टॉयलेट जाके आता हूँ। हाँ हाँ चला जा। अबे ओ टॉयलेट में कौन चॉकलेट रखता है? अरे भाई तेरे को क्या बताऊं, वो अगर मैं चॉकलेट ना खाऊं ना तो मेरे को टट्टी नहीं आती, तो इसलिए वहां भी चॉकलेट रखता हूँ। अबे यार दिमाग खराब कर दिया इसने, हर जगह चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। और भाई सुमित क्या हाल है? सब बढ़िया भाई, एकदम मौज में। अरे भाई इतनी सारी चॉकलेट? हाँ भाई तेरे को पता नहीं क्या, चॉकलेट मेरी फेवरेट है, इसलिए सारी खा जाऊंगा मैं। अरे भाई इतनी चॉकलेट मत खाया कर, दांत खराब हो जाएंगे तेरे। चॉकलेट से दांत खराब होते हैं? हाँ भाई, और अभी तक तो तेरे दूध के दांत है, उम्र ही क्या हुआ है, उम्र से पहले गिरा देगा। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे को खाने दे चॉकलेट, और ये तो बहुत कम है, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैंने तो इतना बड़ा डब्बा मंगवा रखा है, अभी तो वो भी खाना है मुझे। अरे ना भाई इतनी चॉकलेट नहीं खाते, दांत खराब हो जाएंगे, ये चॉकलेट मेरे को दे दे। अबे ओ इधर ला मेरी चॉकलेट। अरे मैं नहीं खाने दूंगा तेरे को, तू मेरा दोस्त है ना। अबे ओ बात सुन, मेरी चॉकलेट पे ना ऐसे कब्जा मत जमा, चल इधर दे। भाई देख आज आज तो खा ले, कल से मत खाइयो यार। हाँ ठीक है, फालतू का ज्ञान मत दे मुझे, ठीक है, मेरे को पता है चॉकलेट से क्या होता है और क्या नहीं होता, चल निकल अब, निकल निकल निकल, मेरे को रोकेगा चॉकलेट खाने से। वैसे आइडिया अच्छा है। और भाई क्या हाल चाल है? अबे भाई तू ऐसे मत डराया कर मुझे, अभी मेरी जान निकल जाती। अबे भाई ऐसे जान नहीं निकलेगी, जो तू ये चॉकलेट खा रहा इससे तेरी जान निकलेगी। चॉकलेट से जान निकलेगी? हाँ भाई तेरे को पता नहीं है, इस चॉकलेट से तेरे ये जो दूध के दांत है ना ये सारे खराब हो जाएंगे और सारे गिर जाएंगे, फिर तू कैसे बात क्या करेगा, कितना गंदा लगेगा यार, और कोई लड़की भी तेरे से इम्प्रेस नहीं होगी, पता है तेरे को। हाँ भाई बोल तो तू ठीक रहा है, आज के बाद मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। भाई इसको फेंक क्यों रहा है, ये भी तो अन्न है, इसको फेंकते नहीं है, तू मेरे को दे मैं किसी को खिला दूंगा, ठीक है, तेरी मेरे को चिंता थी क्योंकि तू मेरा भाई है, इसलिए तेरे को बोला मैंने, वरना ऐसे किसी को बोलता नहीं मैं, ठीक है बैठ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ, आराम से बैठ, ठीक है। चॉकलेट तो काफी अच्छी रहा है ये, चलो अगले मुर्गे को फंसाता हूं। हेलो कमल। हेलो। अबे तू रेस्टोरेंट में खड़ी होगी, ये चॉकलेट क्यों खा रही है, कौन ही खाता है चॉकलेट रेस्टोरेंट में बैठ के, मतलब खड़े हो गए। मैं खाती हूँ, तुझे दिख नहीं रहा है? ओए माँ। अबे तेरे को पता नहीं है क्या, चॉकलेट से क्या क्या बीमारियाँ हो रही हैं? चॉकलेट से बीमारियाँ? अबे पागल है क्या, कहाँ से पढ़ के आया, MBBS फेल। अबे तेरे को पता नहीं है, तू अभी बच्ची है, चॉकलेट से तेरे को शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, और तो और कैंसर भी। कैंसर चॉकलेट से, ये क्या कह रहा है तू? हाँ सच्ची, तेरे को पता है मैं घर पे आराम से बैठा था, मेरे को थोड़ी सी भनक लग गई कि कोमल चॉकलेट खा रही है, तो इतनी गर्मी में मैं भागा भागा आया, क्योंकि मैं तेरी चिंता करता हूँ। खाओ मम्मी कसम। इसमें मम्मी कसम वाली क्या बात है, और वैसे तेरे को मेरे पे विश्वास नहीं है जो मम्मी कसम खिलवा रही है? हाँ विश्वास तो है पूरा पूरा। हाँ बस विश्वास पूरा है ना, तो इधर ला चॉकलेट, अब से तू चॉकलेट नहीं खाएगी, ठीक है, और रेस्टोरेंट में आई है तो यहाँ से खाना ऑर्डर कर ले, वो खा लियो। हाँ ठीक है। और मेरे लिए पैक करा लाइयो। ओके बाय। शुगर डायबिटीज और कैंसर, आज के बाद कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी वरना मैं तो मर जाऊंगी। हाँ सही पागल बनाया मोटी का, काफी सस्ती चॉकलेट खाती है मोटी, चलो कोई नहीं फ्री की तो ये भी सही है। Yeah.
ओ भाई ये क्या पाप कर रहा है तू, घोर अनर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोर अनर्थ भाई, तू बीमार पड़ जाएगा इस चॉकलेट से। कोई दिक्कत नहीं भाई, होने दे। अबे भाई तू पागल हो गया क्या, तेरे को शुगर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, होने दे, मैं फिर भी चॉकलेट खाऊंगा। अबे डायबिटीज हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अबे भाई जो तेरे दांत है ना, ये सारे के सारे नीचे गिर जाएंगे और फिर तू कैसा दिखेगा, गंदा सा। अरे भाई तू ना बार बार डिस्टर्ब मत कर, तेरे से कहना कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे होगी ना, टेंशन मत ले, मैं चॉकलेट खाऊंगा। अबे भाई आजकल चॉकलेट से कैंसर भी हो रही है। अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं इलाज करवा लूंगा, तू मुझे चॉकलेट खाने दे बस। अच्छा, अबे यार इसके पास इतनी अच्छी चॉकलेट है और एक भी ट्रिक काम नहीं कर रही इसके ऊपर, लगता है कुछ तगड़ा बोलना पड़ेगा। भाई देख बाकी सब तो मैं सह लेता तेरे लिए, चाहे कुछ भी हो जाता, लेकिन मेरे को पता चला है आजकल चॉकलेट खाने से बवासीर भी हो रही है। कुछ भी? गुड। कौन सा बकरा कैसे कटेगा, कब होगा शाम। ठीक है आज के बाद चॉकलेट मत खाइयो। हाँ जा जा जा। आज के बाद इस पूरे मोहल्ले में मेरे अलावा कोई चॉकलेट नहीं खाएगा, सबकी छीन छीन के खा जाऊंगा। अबे भाई क्या कर रहा है? सुसाइड कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा है क्या? सुसाइड कर रहा है। अच्छा तो फिर इस शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। शुभारंभ, कुछ मीठा हो जाए है? हाँ ये ले चॉकलेट और पूरी चॉकलेट खा के ही सुसाइड करियो, अच्छे से सुसाइड कर पाएगा, ठीक है? ओके बाय। इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, अब तो सुसाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले चॉकलेट खा लेता हूँ। चॉकलेट ये खाओ फिर फुल एनर्जी आ जाएगी और फुल मौज काटोगे। ओके बाय बाय। हाउ क्यूट यार, अब हमें सच में टैनिंग नहीं होगी यार, लो खाओ। हाँ भाई छोटू क्या दिक्कत होगी, क्यों खड़ा है यहाँ? भैया मैं स्कूल में फेल हो गया, अब घर जाऊंगा तो मम्मी पापा दोनों मारेंगे। अच्छा मतलब अंडा आया है? Yes! अबे तू इतनी छोटी सी बात के लिए क्या परेशान होना, अबे तू ये चॉकलेट खा, ये चॉकलेट खाने के बाद तेरे अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी तू मम्मी पापा से कितनी भी पिटाई खा सकता है, तेरे को इतना सा भी दर्द नहीं होगा, समझा? सच्ची में भैया? हाँ सच्ची, ये ले ये खा। अब रेडी है? हाँ भैया। हाँ तो अब किस चीज का है वेट, खा चॉकलेट और खोल दे गेट, कर दे चढ़ाई, चल जा अच्छे से मार खा के आइयो, ठीक है? अबे भाई क्या हुआ, बड़े दुखी दुखी से लग रहे हो। अरे भाई हमारा एक दोस्त था, छोटी सी उम्र में भगवान को प्यारा हो गया। अरे भाई बड़े ही दुख की बात है यार ये तो। हाँ भाई मतलब काफी दुखी हो तुम लोग। अरे हाँ भाई। अच्छा तो तुम्हारे दुख के लिए तो मेरे पास कुछ है। मतलब? अरे मतलब तुम लोग ये चॉकलेट खाओ, ये चॉकलेट खाते ही तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, और मैं तो कहता हूँ तुम लोग ही मत खाओ बल्कि उनके घर पे भी लेके जाओ और सारे घर वालों को एक कटोरा भर के खिलाओ। भैया पागल पागल हो क्या, आप क्या बोले जा रहे हो, चॉकलेट का मतलब? अरे इसमें पागल वाली कौन सी बात है, तुम खा के तो देखो, मैं बता रहा हूँ तुम दुख की बजाय जश्न मनाओगे, डीजे बजा के नाचोगे। अरे भाई साहब रहने दो, मातम की घड़ी है और आप चॉकलेट की कह रहे हो। अबे यार कैसी बात कर रहे हो, तुम चॉकलेट खाओ। अरे भाई मान जाओ यार। अरे भैया मान जाओ, ये सब मत करो प्लीज, चलो फिर। अबे एक बार खाओ तो सही, मैं कह रहा हूँ ना, जब इतना फोर्स कर रहा हूँ आप लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? अरे भाई साहब जाने दो, मान जाओ। अबे मैं कह रहा हूँ एक बार खा ले चॉकलेट, ले खा। अरे भाई साहब आप घर जाओ। अरे भाई आप खाओ, ये नहीं खाएगा, आप खाओ खाओ। अरे भाई साहब रुको रुको रुको, ये ऐसे नहीं मानेंगे। अबे चॉकलेट ही तो खिला रहा था, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कोई नहीं रहो अपने दुख में दुखी, मैं खा लेता। भैया एक काम करो, आप मेरे लिए
डार्क चॉकलेट, सॉफ्ट चॉकलेट, चॉकलेट आइसक्रीम, चॉकलेट केक, चॉकलेट पिज्जा, चॉकलेट की जितनी भी चीजें हैं, चॉकलेट केक मत भूल जाना, जितनी भी चीजें हैं आप जल्दी से लेकर आ जाओ। अच्छा बेबी मुझे ये बताओ, अगर मान लो हमारी कभी लड़ाई हो गई और तुम मेरे से नाराज हो गई तो फिर मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? अरे बेबी बहुत सिंपल चीज है, बस आप मुझे एक बड़ी सी चॉकलेट दे देना, मैं मान जाऊंगी। बस एक चॉकलेट में मान जाऊंगी? हाँ मुझे ना चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है बेबी। मतलब मैं कितनी भी बड़ी गलती कर दूं तुम मान जाओगी? हाँ बेबी कितनी भी बड़ी गलती कर दो मैं मान जाऊंगी। एक चॉकलेट में मान जाएगी? अबे यार इन लड़कियों की बिना झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत है, एक चॉकलेट में कौन ही मानता है यार, क्या पता मैं तो क्या कर दूं। चलो कोई नहीं देख लेंगे। चलो चॉकलेट वाला प्यार करे। वाह जी वाह क्या बात है, ऐसे धोखा दिया जा रहा है मुझे। आज के बाद ना तुम मुझे दिख मत जाना, अगर दिख गए ना तो मैं मार मार के तुम्हारी चटनी बना दूंगी। ब्रेकअप, देख मत जाना या। अरे अरे बेबी ऐसा कुछ नहीं है, अबे तू जाना अपने घर जा। अरे अबे फूस बना रहा था, मैं ही पागल हूँ जो मान जा। अरे बेबी ऐसा कुछ नहीं था, प्लीज मान जाओ ना। बस मुझे सब पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे तो। अरे बेबी कहाँ फ्लर्ट कर रहा था, वो तो मेरी खाली दोस्त थी। चुप रहो, मुझे पागल समझते हो, मुझे नजर नहीं आता मेरा पागल काट रहे हो। अरे बेबी नहीं था ऐसा कुछ, प्लीज मान जाओ ना। चुप रहो, मुझे मनाने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं मानने वाली नहीं हूँ। बेबी अब तो मानोगी ना? तुम्हें क्या लग रहा है मैं एक चॉकलेट से मान जाऊंगी? मैं कभी नहीं मानने वाली। अबे यार पहले तो ये लड़कियां खुद बोलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर देना बस एक चॉकलेट दे देना मैं मान जाऊंगी, और अब देख लो नहीं मान रही। मेरे को तो पहले ही डाउट था इस पे, झूठ बोल रही है। देखो अगर तुम एक की जगह दो चॉकलेट दोगे ना तो मैं मान सकती हूँ। ये लो मेरी दूसरी चॉकलेट। अरे वाह पर सिल्क होती तो मजा आ जाता। अच्छा बेबी अब तो बन गई ना बात, मान गई ना? हाँ। चलो फिर सिल्क दिला लाऊंगा अब। चलो बहुत ही सस्ता सौदा था यार ये तो, चॉकलेट जिंदाबाद। सोचो अगर चॉकलेट ना होता तो क्या होता। Hey guys, hope so वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। और हाँ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे लाल बटन है उसको जल्दी से दबा दें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस आप भी एक बार जरूर ट्राई करें मुस्टैक का हेयर ग्रोथ कॉम्बो, मुझे पर्सनली ये अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया, तो एक बार आप भी जरूर ट्राई करना, आपको भी अपने बालों में एक शानदार फर्क दिखाई देगा।